वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए सिंपल, इजी और टेस्टी ग्रीन लीव्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए हमने लिया हुआ है 1 kg पालक यानी कि स्पिंच, जिसे हमने काट के अच्छे से वॉश करके रख दिया है। साथ ही हमने लिया हुआ है कड़म 1 kg यानी कि नोल खोल, जिसे हमने अच्छे से काट के वॉश कर दिया है। इसके लिए हमने 3 टमाटो जो है वो ग्रेट कर लिए हैं। 2 टेबलस्पून हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेना है, साथ ही 2 रेड चिली लेना है। 1 टेबलस्पून हमने जो है टर्मरिक पाउडर लेना है, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लेना है, साल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट लेना है, और सॉल्ट पाउडर जो है हमने 2 टेबलस्पून लेना है। तो चलो हम इस हेल्दी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हमने अपना कुकर जो है वो गैस पे चला दिया है। इसमें हम मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और इसे गर्म होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट और चिली ऐड कर देंगे। साथ ही हम अपने मसाले भी डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। फिर चलाते रहेंगे, इसे जलने नहीं देना है। हमने अपनी गैस की फ्लेम जो है वो लो पर रखी है, ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना। अब हम इसमें अपनी जो हमने ग्रीन लीव्स काटी है पालक की और कड़क की, वो ऐड कर देंगे। साथ ही टमाटो भी डाल देंगे और इसे अच्छे से पका देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी सारी ग्रीन वेजिटेबल इसमें ऐड कर ली है। अब हम इसे ऐसे ही ढक के थोड़ी देर पकाएंगे, जब तक ये थोड़ा रिड्यूस ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी जो है वो थोड़ी रिड्यूस हो चुकी है। अब हम इसे आहिस्ता से मिला देंगे। अच्छे से हमें इसे अब आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी जो सब्जी को है अच्छे से मिक्स कर दिया है, और ये जो वाटर है ये इसी से रिलीज हुआ है। ना हमने इसमें कोई वाटर ऐड किया है, ना ही कोई वाटर हमने इसमें जो है ऐड करना है। अब हम अपनी सब्जी को जो है प्रेशर लगा देंगे और इसे प्रेशर कुक होने के लिए 4 to 5 whistles के लिए छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे कुकर की जो है सीटी लग चुकी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और गैस बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना कुकर जो है ठंडा करके खोल दिया है, मगर अभी इस सब्जी में जो है पानी है और हमें इसे ड्राई करना है। अभी हम इसे गैस पे रखेंगे और इस पानी को हम पूरा एब्जॉर्ब कर देंगे। देखिए हमारी सब्जी जो है उबल रही है। अब हम इसमें थोड़ा गरम मसाला ऐड कर देंगे, साथ ही हरा धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए हमारी कड़म और पालक की सब्जी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी के साथ, राइस के साथ, किसी के साथ भी ले सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।